जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग IRCTC पर टिकट कैसे बुक किया जाता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आए और आप सभी लोगों ने कहा कि हाँ, एक वीडियो बना दीजिए इस टॉपिक पर कि IRCTC पर ऑनलाइन टिकट कैसे बुक किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको IRCTC का ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, IRCTC की वेबसाइट पर टिकट कैसे बुक करते हैं, मैंने एक कंफर्म टिकट इस वीडियो में बुक भी किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लस साथ में अगर आपको यात्रा नहीं करनी है तो वो टिकट कैसे कैंसिल किया जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, ऑनलाइन टिकट बुक करने से आपका ही फ़ायदा होता है। जब तक आप रिजर्वेशन काउंटर पर जाओगे, फॉर्म भरोगे, लाइन में लगोगे, तब तक कोई ऑनलाइन टिकट बुक कर लेगा और आप तक वेटिंग लिस्ट का ही टिकट पहुँचेगा। अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना आता है तो जैसे ही रिजर्वेशन काउंटर्स खुलते हैं उसी टाइम पर आप अपना भी टिकट बुक कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती और ये बहुत आसान होता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जब भी आप ऑनलाइन टिकट कैंसिल करेंगे तो उसका पैसा लगभग 2 से 3 दिन के बाद ही आता है और वो आपके उसी अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से आपने पैसा कटवाया होगा। दोस्तों, जैसे ही आप लोग ऑनलाइन टिकट बुक करना शुरू कर दोगे तो उसके टाइम पर आप लोगों के सामने कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें आएंगी जिनके बारे में भी आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी होगा, जैसे कि RAC क्या होता है, जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट क्या होता है, पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट टिकट क्या होता है, रिमोट कोटा वेटिंग लिस्ट टिकट क्या होता है, प्रीमियम तत्काल और तत्काल में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स लोगों को नहीं पता होते हैं और ये जानकारी ना होने के कारण बहुत से लोग, जिन लोगों के टिकट्स कंफर्म भी हो सकते हैं, वो लोग अपना टिकट कैंसिल करवा लेते हैं और उनको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता। अगर आप लोग कहोगे तो इन सभी टॉपिक्स पर एक एक करके मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके ये मुझे बताना होगा कि आप लोग इन टॉपिक्स पर भी वीडियो देखना चाहते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट है। दोस्तों, अब चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और इंस्टॉल करते हैं IRCTC का ऐप। अब हम लोग IRCTC का ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को प्ले स्टोर ओपन करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद प्ले स्टोर की सर्च बार में हम लोग सर्च करेंगे IRCTC। अब हमारे सामने IRCTC का ऐप आ चुका है, IRCTC रेल कनेक्ट नाम से। अब इस ऐप को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके। इस ऐप को इंस्टॉल होने में 1 से 1.5 मिनट का समय लगेगा। ये ऐप 12 MB का है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कैसी है। फिलहाल अब इस ऐप को इंस्टॉल होने देते हैं। दोस्तों, अब हमारा IRCTC का ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब इस ऐप को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही हमारे सामने IRCTC का ऐप कुछ परमिशंस मांग रहा है। ये परमिशन हम लोग को इस ऐप को देनी पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पर पहले अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। फिर से एक परमिशन मांग रहा है, फिर से हम लोग अलाउ पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक अलर्ट आया हुआ है कोरोना से रिलेटेड, आप इसको पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। मैं यहाँ पर ओके क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है और यहाँ पर जो नई स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं उन सभी ट्रेन्स की लिस्ट भी आ गई है। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हो। फिलहाल हमें टिकट बुक करना है तो मैं अब यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है प्लान माय जर्नी, दूसरा ऑप्शन है माय बुकिंग्स, तीसरा ऑप्शन है PNR इंक्वायरी, चौथा ऑप्शन है कैंसिल टिकट, और भी बहुत सारे हैं। उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा। फिलहाल हमें टिकट बुक करना है तो मैं प्लान माय जर्नी पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक, यानी कि किस स्टेशन से किस स्टेशन तक जर्नी करना चाहते हो। तो फिलहाल मैं लखनऊ से बरेली तक की जर्नी करना चाहता हूँ।
जैसे ही आप स्टेशन फिल कर देंगे उसके बाद उसके ठीक नीचे आपको डेट्स लिखी हुई नज़र आएंगी और उसके ठीक सामने कैलेंडर नज़र आएगा। इस कैलेंडर पर आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने नेक्स्ट मंथ का भी कैलेंडर आ जाएगा। फिलहाल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेन 1 जून से 30 जून तक चलेंगी, तो मैं जून की कोई भी डेट ले लेता हूँ। मान लीजिए मुझे 5 जून को जर्नी करनी है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और अब मैं ओके को भी क्लिक कर देता हूँ। अब हम लोग सर्च ट्रेन्स पर क्लिक कर देंगे। ये सब फिल करने के बाद अब हमारे सामने लखनऊ से बरेली तक जाने वाली सभी ट्रेनों की लिस्ट आ चुकी है। फिलहाल मैं पहली ही ट्रेन में टिकट बुक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ये पूछ रहा है कि आप सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास या फिर सेकेंड सीटिंग में जर्नी करना चाहते हो। इसका मतलब ये है कि आप किस क्लास में जर्नी करना चाहते हो। अब यहाँ पर आप लोगों का एक डाउट आ रहा होगा कि जनरल क्लास कहाँ है, तो जनरल क्लास को ही सेकेंड सीटिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फिलहाल मैं सेकेंड सीटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। सेकेंड सीटिंग पर क्लिक करते ही मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें ये बता रहा है कि वेटिंग लिस्ट चल रहा है 5 तारीख को, 7 तारीख को, 9 तारीख को और 105 रुपये का टिकट है। लॉग इन एंड बुक नाउ। तो फिलहाल मैं 5 तारीख का टिकट बुक करने की कोशिश करता हूँ और लॉग इन एंड बुक नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ रहा होगा, जहाँ पर यह आपसे साइन इन करने को बोल रहा है। मेरी आईडी पहले से ही बनी हुई है, तो मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लूँगा। जो लोग नए हैं वो लोग रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर के आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेता हूँ। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया है और ये आपसे बोल रहा है कि जनरेट पिन। अगर आप पिन जनरेट कर लेते हो तो बार बार आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पिन जनरेट कर लेते हैं। सबमिट, ओके। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं पहले से ही पढ़ चुका हूँ, तो मैं आई एग्री पर इसको क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर भी आपको ओके पर, फिर ओके पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ये बता रहा है कि जिस ट्रेन से आप जर्नी करने जा रहे हो वो लखनऊ कितने बजे पहुँचेगी, बरेली कितने बजे पहुँचेगी, ट्रेन में टिकट बुकिंग का स्टेटस क्या चल रहा है, कहाँ से या किस स्टेशन से आप जर्नी करने जा रहे हो। ठीक उसके नीचे ये बोल रहा है ऐड पैसेंजर, तो ऐड न्यू पर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर अपनी डिटेल्स भर दूंगा, जैसे कि मेरा नाम, मेरी उम्र, एज, जेंडर मेल, फीमेल या फिर जो कुछ भी हो, और किस टाइप की सीट मुझे चाहिए, तो मुझे विंडो सीट चाहिए। और ठीक इसके नीचे ऐड पैसेंजर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए जो डिटेल्स मैंने भरी थी वो यहाँ पर भी आ गई हैं। दोस्तों, एक PNR पर 6 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस लिस्ट में 6 लोगों के नाम लिख सकते हो। फिलहाल मैं अकेला हूँ, तो मैं कोई भी नाम और नहीं लिखूँगा। फिलहाल हम लोग इसको स्क्रॉल कर लेंगे, कंसिडर ऑटो अपडेशन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ का एड्रेस। तो फिलहाल जो मैं एड्रेस लिखने जा रहा हूँ ये रैंडम एड्रेस है, ये मत सोचिएगा कि ये मेरा एड्रेस है। जैसे ही आप एड्रेस भर लेंगे उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप पेमेंट किस तरीके से करना चाहेंगे। तो फिलहाल मैं वॉलेट के थ्रू करूँगा, IRCTC के वॉलेट के थ्रू। लेकिन आपको मैं ATM कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी देने के बाद मैं अपना टिकट बुक करूँगा। तो हम लोग अब रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने जो कुछ भी हम लोगों ने जानकारी भरी थी वो सब फिर से खुल के आ गई है। ये कह रहा है कि एक बार आप चेक कर लीजिए, फिलहाल जो जानकारी हमने भरी है ये जानकारी सही है। तो हम लोग प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। आप चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर यस क्लिक कर दूँगा। यस क्लिक करते ही हमारे सामने वॉलेट्स,
मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस, ये दो प्रकार के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एटीएम या फिर डेबिट कार्ड से आप लोग पैसा कैसे कटवा सकते हो इस टिकट का, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इसके लिए हम लोग जाएंगे पेटीएम पर, और पेटीएम पर क्लिक करने के बाद हम लोग पे पर क्लिक कर देंगे, जो ये रेड कलर का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करते ही हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब ही एटीएम कार्ड होता है, हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पर आपके एटीएम कार्ड का नंबर पूछ रहा है, तो जो 16 डिजिट का या फिर जितने भी डिजिट का नंबर होता है वो नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया हुआ है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, तो पहले आप यहाँ पर महीना लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा ईयर या फिर कौन सा साल है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। उसके बाद आप कार्ड, जो आपका एटीएम कार्ड है, उसको पलट दीजिएगा। उसके पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, उस नंबर को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा जो आपके कार्ड पर दिया गया है। उसके बाद आप लोग प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दोगे, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पर भर दीजिएगा, आपका टिकट बुक हो जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा। फिलहाल मैं इस तरीके से टिकट बुक करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे IRCTC वॉलेट में पहले से ही पेमेंट पड़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से टिकट बुक करूँगा। तो हम लोग चलते हैं IRCTC के वॉलेट पर। दोस्तों अब मैं अपना टिकट बुक कर लेता हूँ। IRCTC के वॉलेट में ऑलरेडी पैसा मेरा पड़ा हुआ है, तो मैं वहीं से ही टिकट बुक करूँगा। ओके, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेरा टिकट बुक हो चुका है, PNR नंबर मिल गया है, ट्रेन लखनऊ कब आएगी, बरेली कब पहुँचेगी, ये सब डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिलहाल मुझे इस ट्रेन में जर्नी तो करनी नहीं है, तो मैं इस टिकट को अब जा रहा हूँ कैंसिल करने। और इसी के साथ आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आपको टिकट बुक करने के बाद कभी अचानक टिकट कैंसिल करना पड़े, तो आप लोग टिकट कैसे कैंसिल कर सकते हो। इसके लिए हम लोग चलेंगे होम पर। तो ये जो होम वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये जो कैंसिल टिकट वाला ऑप्शन है रेड कलर का, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो टिकट मैंने बुक किया था उसके PNR के साथ, वो टिकट मेरे सामने आ रहा है, उसको हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका नाम लिखा है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और नीचे जो कैंसिल का बटन है इसको आप क्लिक कर दीजिएगा और कन्फर्म कर दीजिए। आपका टिकट कैंसिल हो गया, और जो कुछ भी रिफंडेड अमाउंट था, यानी कि इस टिकट में मेरे लगभग 70 रुपये कट चुके हैं, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो मेरे वॉलेट में वापस पहुंच जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि किसी भी टिकट को कैंसिल करने पर कितना चार्ज पड़ता है और आपको कितना पैसा रिफंड होगा, तो अगर आप लोग कमेंट करके कहोगे तो इस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।